मैं 3 दिन से इनको बोल रही थी कि मुझे कॉफी पिला दो, मुझे कॉफी पिला दो, लेकिन मुझे किसी ने कॉफी नहीं पिलाई। और आज मुझे पता लगा कि इनके पास ये मशीन है कॉफी मेकर। ये किसकी है? हैवल्स की है। तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ कि इस पे कॉफी कैसे बनेगी। मैंने वीडियोस तो देखी है, लेकिन जब खुद बनाओ तभी पता लगता है। यहाँ पे अब इसमें ये एक तो ये है कि यहाँ पे 2 कप पानी या 4 कप पानी है ना, ये पानी का ही है ना। तो 2 कप पानी मैं और दीदी के लिए बना रही हूँ मैं, तो मैंने पानी तो डाल लिया। अब यहाँ पे कितनी चीजें हैं, एक ये है जिसके अंदर कुछ ये है ऐसा है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ लगेगा ये। लेकिन पहले हम इसमें कॉफी डाल लेते हैं। इसमें भी 2 कप कॉफी बना रही हूँ मैं, तो 2 कप 2 स्पून कॉफी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि हम थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही पीते हैं दोनों ही। इसमें भी मार्क्स हैं, जैसे 2, 4, मतलब 4 कप कॉफी बनाओगे तो यहाँ तक फिल करना है इसको, लेकिन 2 है तो मैंने यहाँ तक फिल किया। मैंने कॉफी इसमें डाल ली है, अब यहाँ पे पानी डलेगा। अब 2 कप है तो मैंने इतना ही लिया है। अब इसे बंद कर देना है और यहाँ पे वार्निंग लिखी है कि इसको टाइटली बंद करना है। अब ये लगेगा यहाँ पे, ये थोड़ा मुश्किल ही है लगाना वैसे तो, बट ठीक है देखते हैं। ऐसे इसको भी टाइटली लगाना है, कॉफी बनाते बनाते गिर जाएगी। अब यहाँ पे भी एक ट्रे है, इसी पे इसको रखना है यू। अब मैं ऑन कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ही डर लग रहा है मुझे। यहाँ पे लाइट जग गई, यहाँ पे एक लाइट जग गई। बाहर भाग, अब हम बाहर भाग रहे हैं। दोस्तों कुछ आवाज आ रही है अंदर से। आवाज आई है, कॉफी अब तक नहीं आई है, और ऐसा इंतजार है जिससे रिजल्ट का होता है। बनेगी बनेगी, मुझे उम्मीद है, फट ना जाए, डर है। फाइनली कॉफी आ गई, खा गई। फाइनली कॉफी आ गई है, 2 कप से ज्यादा है क्योंकि कॉफी भी थी, मिक्स हो गई। चलो चलो, कॉफी बन गई और इसमें पानी खत्म हो गया था, तो हमने इसको रिफिल कर दिया फ्लोदिंग के लिए। यहाँ पे एक नोजल दिया हुआ है फ्लोदिंग के लिए, और जब भी इसको रिफिल करें तो कृपया ध्यान से करें, क्योंकि हाथ जल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है। तो मेरा तो जल गए, आपका ना जले। हम पहले बता देते हैं, हम प्रिकॉशन नहीं लेते, हम पगे करके फिर करते हैं। ठीक है, खड़ी हो गई, खुद ही चलेगी। ऑन करो, ऑन करना जरूरी है, ऑन कर ले। रुको, उसको पूरा बंद करो अच्छे से टाइटली। सब काम डरते डरते, बहुत डरते डरते कॉफी बनी है। यहाँ पे स्टीम पे करना है, स्टीम पे करना है। नीचे करो ना थोड़ा पहले, एक बार आने दो स्टीम। करो, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। गाइस ऐसी फ्रोदिंग हुई कि डर के मारे बंद कर दिया। वैसे तो फ्रोदिंग हो गई है, दूध ज्यादा ले लिया, कप छोटा था, तभी मैंने पहले कप में कम दूध लिया था। फ्रेंड्स जब कॉफी बनती है तब हमें ब्रू पे करना है ये रहा, और जब हमें स्टीम फ्रोदिंग के लिए तब उस टाइम इधर स्टीम लिखा हुआ है वो स्टीम पे करना है ये रहा स्टीम। ओके बंद कर।
डालो, कॉफी डालो और पी लो। इतनी फ्रोदिंग चीज है गाइस, ये फ्रोदिंग हो गई है, काफी बढ़िया लग रही है। अभी मैं सर्व कर रही हूँ। ये तो काफी नहीं है, कुछ ये रिफ्रोदिंग। अब कॉफी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी शायद। सुरभि अब आप टेस्ट करोगे यहीं पे, और जो आप रोज 150 रुपीस की कॉफी पी रहे हो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, टेल अस, टेल द व्यूअर्स। आप पूरा बताएंगे अभी। हाँ, आप अभी ट्राई करो बनाने में जो भी है, बट जो रोज आप 180 150 यू आर पेइंग बाहर ना, Tell me how's it? It's very nice. Taste में कितना difference है? Taste में कितना? Cappuccino जैसी है। Okay. ये था हमारा coffee का vlog। आप जरूर बताना कि कैसा लगा, और आप खुद के अपने experiences भी हमारे साथ share कर सकते हो, और हमारा जो real experience है वो आपको आगे पता चल जाएगा। Guys, वैसे ये coffee maker काफी अच्छा है, मतलब इसमें coffee तो बहुत ही अम्मी बन रही है, लेकिन हमें कुछ problems जो आई और वो आपको ना आए वो ये थी कि फ्रोदिंग में काफ़ी मुश्किल आई, क्योंकि हमने मग सीधा कप लिया हुआ था, लेकिन थोड़ा अगर डीप कंटेनर टाइप कुछ होता तो सही फ्रोदिंग होती। बाकी टेस्ट में तो अमेजिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आई, मुझे ऐसी पसंद है।